मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बीजेपी मंडल की तरफ से कुणाल पाटिल ने दावत इफ्तार का आयोजन किया था और इस इफ्तार में बीजेपी के नेता निरंजन डाकरे और मृणाल पिंड से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। वहीं इफ्तार में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई थी। शायद मुमरा में पहली बार बीजेपी पार्टी की तरफ से इतना बड़ा इफ्तार का आयोजन किया गया था और इसमें बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए थे। इस मौके पर बीजेपी नेता निरंजन डाकरे और मृणाल पेंडसे ने क्या कुछ मीडिया से बात करते हुए कहा है, आपको सुना दें। डाकरे साहब क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुमरा मंडल की तरफ से यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, आप वहाँ पे अतिथि के तौर पर क्या बताएंगे? आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मुमरा मंडल में, मुमरा मंडल के माध्यम से यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। रोजे के महीने हैं और उसमें जो रोजेदार है उनके साथ आज उनके रोजे छोड़ते हुए निश्चित ही एक आनंद होता है, एक भाईचारा, एक जो मन मिलाने का प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। निश्चित ही हर एक के सुख दुख में हम साथी हैं और हम एक दूसरे के सुख दुख बांटते हुए आगे के जो विधायक काम है वो करने के लिए साथ है, ये एक विश्वास आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित ही होता है। कुछ लोग मतलब बीजेपी पार्टी कहे तो कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी मतलब होता है मुस्लिमों का विरोध करती है, मुस्लिम जो है उसे नकारती है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुसलमानों को नकारती नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मियों का निश्चित ही मान करती है, सम्मान करती है। और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमने एक ही सीखा है कि राष्ट्र भावना ये सबसे महत्व है और सभी जो भारतीय हैं वो हमारे भाई बहन हैं। मैडम, आप इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था मुमरा मंडल की तरफ से, यहाँ पे आए और काफ़ी लेडीज, काफ़ी महिलाएं भी मुझे यहाँ पे साथ में दिख रही है इफ्तार पार्टी में, ऐसे में आप क्या कहेंगे? मुमरा में भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है और आज मुमरा मंडल की तरफ से ये इफ्तार पार्टी का जो आयोजन किया है और हमें यहाँ पे बुलाने के लिए, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि महिलाओं की उपस्थिति भी बहुत अच्छी तरह से है और अभी मुमरा में बहुत अच्छी अच्छी महिलाएँ पार्टी के साथ जुड़ रही है, तो मुझे ये विश्वास है कि आगे चल के महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम मुमरा में होने वाला है। भाजपा की अगर बात आए तो लोग यही कहते हैं कि भाजपा से जो मुस्लिम लोग जुड़ते नहीं है क्योंकि लोगों की इसमें रहती भाजपा जो है अराजकता फैलाती है, इसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पे, मुस्लिम जो हमारी महिलाएं हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है तो ये दूसरी जो पार्टियां है ये ऐसी गलत फहमियाँ फैलाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों का आदर करती है और मुझे ऐसे लगता है कि यही हमारी एक पार्टी ऐसी है कि जो राष्ट्रहित में हमेशा काम करती है, तो कोई भी धर्म का हम लोग अनादर नहीं करते, हर एक धर्म के लिए हम लोग को रिस्पेक्ट है। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे जो लोग सिर्फ बातें करते हैं और जो कहते हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ती है, मुस्लिम से उनका कुछ लेना देना या मुस्लिम के लिए आगे नहीं बढ़ती, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? जैसे पिछली बार मैं मुमरा में आई थी और तो और मैंने ये बताया था कि अगर आप मुस्लिम महिलाओं को पूछोगे तो ये जो मोदी जी ने निर्णय लिया था 3 तलाक वाला, तो मुस्लिम महिला अभी इतनी जुड़ रही है पार्टी के साथ, लेकिन क्या है ना, सभी को राजकारण करने का ये करने की जो आदत पड़ गई है कि धर्म के नाम पे राजकारण करो और वोटर्स को भड़काओ, उनके मन में गलत फहमियाँ पैदा करो। तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी ये हर एक वर्ग के लिए, हर एक धर्म के लिए अच्छा ही काम कर रही है और लोग क्या बोलते हैं इसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक ही उद्दिष्ट है जो हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी जो राह पर चल रहे राष्ट्रहित का, तो हम सभी साथ में मिलकर राष्ट्रहित के लिए काम करते रहेंगे। बीजेपी महिला मोर्चा की आप पदाधिकारी भी है, स्वीडन में ऐसा कुरान की आयतों को जलाया गया है, ऐसे में आप क्या कहें, मतलब उनको, स्वीडन की सरकार को आप कैसे निषेध करें? मुझे ऐसा लगता है कि हर एक धर्म का आदर ही होना चाहिए, तो इसके लिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं उसका निषेध करती हूँ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं यही बोलूँगी कि हर एक धर्म, जो हिंदुस्तान में जितने भी धर्म हैं, हम सब धर्मों का आदर करते हैं।